मिलेगा मुझे, प्लास्टिक की बोतल भी मिलेगी, प्लास्टिक का ग्लास भी मिलेगा। नील गए तो दिख गई, लेकिन दिखेगा मुझे कहीं तो किसी ने प्लास्टिक का ग्लास फेंका होगा, प्लास्टिक की बोतल फेंकी होगी, कोई पन्नी फेंकी होगी। कैसे मिलेगा, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ यार, ये जंगल है, यहाँ पे इंसान नहीं रहते। इंसान प्लास्टिक की बोतल फेंकते हैं, ग्लास फेंकते हैं, प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं, जानवर थोड़ी फेंकते हैं यार। हम जानवर ही बन जाए तभी कुछ सफाई हो पाएगी। इंटरनेट पे जर्नल्स में इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि हम अपने प्लैनेट को कैसे साफ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप और मैं इन 5 चीजों से भी शुरू करें ना, तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। करें। एक बहुत अच्छा आइडिया, तो अपने घर के जो बच्चे हैं, अपने सोसाइटी के, अपने कॉलोनी के जो बच्चे ना, उन्हें सफाई का मॉनिटर बना दो। मतलब अगर उन्होंने किसी भी अंकल या आंटी को थूकते हुए देखा, या प्लास्टिक फेंकते हुए देखा, या कचरा फेंकते हुए देखा, गंदा करते हुए देखा, तो वो आएंगे और फाइन करेंगे हमारा, तब ना हम सुधर जाएंगे। एक तो कितना बुरा लगेगा एक बच्चा डांटेगा, दूसरा हम खुद ही ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे वो आगे हमें डांटे। बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं, वो भी सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हर टाइम अपने बैग में, अपने लैपटॉप बैग में एक पतला सा कॉटन का कपड़े का थैला रखें। जब भी हमें कुछ लेना होगा, हम प्लास्टिक बैग ना लेके अपने उस कॉटन वाले थैले में चीज़ें भर लिया करें, चाहे वो सब्जी हो या फिर कोई और चीज़ हो। अब सिंपल सी बात है, जब तक हम दुकानों में से प्लास्टिक के बैग खरीदते रहेंगे, तब तक वो बनाते रहेंगे। और आपको पता है ना, इस धरती से हम तो गायब हो जाएंगे, प्लास्टिक कभी नहीं मरेगा। और बैग में प्लीज अपने लिए एक बोतल भी रख लीजिए, क्योंकि बार बार बीच में प्यास लगती है और हम पानी की बोतल खरीद लेते हैं, और पानी की बोतल भी तो प्लास्टिक की बॉटल होती है। तो बैग में एक कॉटन का थैला और अपने लिए एक बोतल, जो हमारी बोतल होगी। ये जो पेड़ है ना हमारे, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है, ये ख़त्म हो जाएंगे तो कहाँ से ही हम सांस लेंगे। और इन्हीं पेड़ों से बनता है वो पेपर जो रोज़ हम ऑफिस और घर में इतना वेस्ट करते हैं यार। अभी पेपर रिसाइकिल करने का है, मतलब प्रिंट आउट जब निकालते हैं तो उसके पीछे वाला साइड जो है, या तो उस पर भी प्रिंट निकालो, या फिर पीछे वाले साइड को रीयूज़ करो, रिसाइकिल पेपर प्लीज़। इन पेड़ों की ज़रूरत है हमें। आपने भी देखा होगा, आते जाते गाड़ी के अंदर से लोग ऐसे चिप्स का पैकेट और कैंस वगैरह फेंक देते। क्यों फेंक देते? क्योंकि उनकी गाड़ी के अंदर डस्टबिन नहीं होता, तो गाड़ी के अंदर हम डस्टबिन क्यों नहीं रख सकते? इतने छोटे से क्यूट से डस्टबिन आते हैं जो हम गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, तो अपनी गाड़ी में भी डस्टबिन रखने का है। और अपने जितने फ्रेंड्स को अगर गिफ्ट देना हो ना, मतलब कोई भी अभी फेस्टिवल आ रहा है, उस पर गिफ्ट देने में ऐसे मिठाई विठाई मत दीजिएगा, इस बार सबको गाड़ी के डस्टबिन गिफ्ट कर दीजिएगा। सफाई की सफाई हो जाएगी, वो भी यूज करना शुरू कर देंगे। हमारे घर में भी तो कितने सारे प्लास्टिक के इतने सारे डब्बे जमा हो जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हम उनको रीयूज कर सकते हैं, फेंकने की जगह या फिर नया खरीदने की जगह हम उसको एक्चुअली रीयूज कर सकते हैं। वो बॉटल्स जो है ना, उनमें हम प्लांट्स उगा सकते हैं, उन डब्बों में भी हम उनका गमला बना के उसमें प्लांट्स उगा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, मतलब गूगल कर लें कि इन प्लास्टिक के डब्बों से क्या क्या बन सकता है, विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कितनी सारी यूज़ में आ सकता है। इयर रिंग बॉक्स बन सकता है। आपको पता है ये डंडा मैंने क्यों रखा है? मैंने वहाँ पे इतने सारे नील गाय देखी थी, अगर वो आ गई तो प्रोटेक्शन के लिए है तो जंगल ना, इंसान तुम यहाँ कभी मत आना, नहीं तो गंदगी हो जाएगी।